जैसे कि किसी को देना, गिविंग टू समवन साउंड सो डिफरेंट इन अ नॉर्मल पार्लेंस, यू नो, लाइक शी वाज जस्ट गिविंग एंड वांटेड टू गिव एंड गिव एंड सो वो कंट्रीब्यूशन मतलब फैमिली को, पर वही कंट्रीब्यूशन और गिविंग एक्चुअली निकला कुछ और ही, मतलब कुछ और ही, यू नो, बॉक्स में से कुछ चूहा कुछ अलग हाँ, ही बाहर निकला. लाइक और वो बार इवन बार टू द कार और वो एग्जांपल, बार व्हेन बार यू उस गो टू द, हाँ और मैं बोल रहा हूँ, वो बार बार आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड खुद ही यूज कर रही है ना। कितनी बार उसने आइडेंटिटी क्राइसिस फ्रेज यूज किया है। एंड आइडेंटिटी या क्राइसिस, बहुत जैसे बार. मैंने आपको पहले भी बोला कि अब लोग ना, हाँ, अब लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे, लेकिन आपको सुनाई क्या देना चाहिए? आपको सुनाई लिमिटिंग पैटर्न देना चाहिए। वो आइडेंटिटी क्राइसिस बोल रही है, मुझे क्या सुनाई दे रहा है? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। तो आपको या आई पकड़ कैन में आ गेट जाती है दैट इन चीज द बड़ी जल्दी, डिस्कशन. क्योंकि लोग, एंड शी कुड गेट दैट ऑल्सो कि शी इज डूइंग दिस टू गेन अप्रिसिएट। वो बोल रही है टू गेन अप्रिसिएशन, अगेन अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, ये सारे वर्ड्स वो यूज कर रही है। मुझे क्या सुनाई दे रहा है? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, तो वो खुद भी रिलेट कर पा रही है कि ये तो मैं करी इसी चीज के लिए हूँ, ताकि मुझको वाह वाह मिले, और जहां नहीं मिल रही है वहां पे मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। वो कर रही है, वो कंट्रीब्यूशन चैरिटी की बात कर रही है। मैंने उसको इसीलिए बोला कि आज तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम 5 रुपए की चैरिटी नहीं कर सक रहे हो, कल को तुम्हारे पास 1 लाख आएंगे तो बोलोगे कि मैं 10 हजार दूं, नहीं दोगे। क्यों मैंने ये चीज उसको बोली? क्योंकि वो बात कर रही है चैरिटी की, वो बात कर रही है कि आई वॉन्ट टू डू, वेयर एज इन हर कंपनी शी इज गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, शी इज डूइंग इट, शी इज गोइंग अबव एंड बियॉन्ड एंड शी इज डूइंग इट, बट शी इज एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न। वो वहां कहां देख रही है चैरिटी? उसके लिए चैरिटी एक सर्टन फॉर्म में ही है ना। अब हम अपने अष्टावक्र गीता में भी हम बात कर रहे थे कल या परसों लास्ट वाले लेक्चर में, उसमें वही हरदेव एग्जाम्पल ले रही थी कि गुरुद्वारे में जाके लोग सेवा कर, लंगर बना रहा है कोई, गुरुद्वारे को साफ कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, लोगों के जूते साफ, लोग सेवा कर, घर में अपने घर में वो अपनी प्लेट भी सिंक में नहीं रखते हैं। ओ ओके और वहां जाके झाड़ू मार रहे, राइट, वहां जाके झाड़ू मार रहे। वहां की सेवा का परसेप्शन तो शायद अलग है दिमाग में, मतलब उसी को सेवा माना है इसलिए वो कर रहे कि ये सेवा है, मतलब वही यू तो मैं नो बोल, पर भाव, दैट्स प्रॉब्ली द. वही तो मैं बोल रहा हूं, वो तो मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि एक हमने एक इमेज क्रिएट कर लिया ना कि वही सेवा है, करेक्ट। इसने भी एक इमेज बना लिया ना कि यही चैरिटी है, ये करेंगे ना इस शेप और फॉर्म में करूंगी तभी चैरिटी होगी। काम पे अगर मैं अबव एंड बियॉन्ड जाके थोड़ा एक्स्ट्रा कर रही हूं तो वो चैरिटी नहीं है। तो वो भावना तो नहीं क्रिएट की ना उसने, सेवा की या चैरिटी की भावना तो नहीं क्रिएट की ना, जिसमें उसको हर जगह वो अपॉर्चुनिटी दिखने लगे। उसने तो एक अपॉर्चुनिटी को, शेप को ही मान लिया है ना कि इसी का मतलब होता है चैरिटी, इसी का मतलब होता है सेवा, ऐसे करो तो ही होता है। लेकिन जो उस भाव में होता है वो तो हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है ना। जो सेवा के भाव में होगा उसको गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो तो कहीं भी कर लेगा। करेक्ट. तो वो चैरिटी के भाव में नहीं थी ना, उसने एक सर्टन वे में देखा हुआ है कि ये होता है इस ऐसे, ये सेटअप में मैं करूंगी तो ही वो चैरिटी होगी। इनफैक्ट लैक का वहां पे तो प्रॉब्लम था ना, तो लैक एज यू एड्रेस्ड कि लैक के इश्यू में फिर चैरिटी कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, देन यू नो वी आर लैकिंग करंटली हाँ द फीलिंग ऑफ लैक, तो हाँ पहले तो वो या करेक्ट इट वाज अ रियली करेक्ट टर्निंग पॉइंट करेक्ट, काइंड ऑफ क्योंकि थिंग.
क्योंकि एक सेटअप के थ्रू, एक सेटअप के थ्रू जब आप करते हो, तो हम जो ये बात कर रहे थे, जो ये हरदेव भी जो ये बात बता रही थी कि लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, फिर गुरुद्वारे में जाके फिर और चार लोगों में बताएंगे कि गुरुद्वारे में हमने तो ये किया, हमने तो किया, क्योंकि उनकी जो नीड है वो है नीड फॉर सिग्निफिकेंस, रेकोग्निशन। ये वो लोग हैं जो कोई डोनेशन भी देंगे और एक कुछ बनवाएंगे, कुछ एक बेंच डोनेट किया तो बेंच पे भी खुदवा के लिखवाएंगे कि हमने डोनेट किया है। राइट, एक मतलब सी आई एम सेइंग एट द एंड ऑफ द डे है तो हेल्दी ही, किसी का तो भला हो रहा है, कोई बेंच पे बैठ रहा है, ठीक है, अनहेल्दी तो नहीं है, हेल्दी ही है, लेकिन ये किसी भी एंगल से कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कंट्रीब्यूशन के नाम पे है तो ईगो मसाज, घर में वो बंदा गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगा रहा है और फिर 10 लोग जाके झाड़ू लगाई, तो उससे ईगो बूस्ट होती है, लोग उसे कितना कितना बढ़िया इंसान है, गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगाता है तो कितना सेवा करता है, कितना बढ़िया इंसान है, बोल रहा है। और वही इंसान बोले मैंने घर में झाड़ू लगाई, तो उसकी कोई कदर थोड़ी होगी, घर में झाड़ू लगाई है तो। उसमें वाह वाह ही नहीं है ना, और घर में झाड़ू लगाने का हाँ किसी को पता ही नहीं लगेगा ना, तो हाँ अप्रिशिएट। करेक्ट। और पता मतलब मैं बताऊं भी तो कोई सोचेगा, कोई बोलेगा तो तुमने अपने घर में झाड़ू, हाँ या बताने वाली न्यूज़ तो वो है जो मैं बोलूं कि मैं पड़ोसी के घर में जाके झाड़ू लगाई है, वो बताने वाली बात है। मैं बोल रहा हूँ मैं अपने अपने घर में झाड़ू लगाई है, ये कौन सी बताने वाली बात है, इसमें कौन सी वाहवाही मिलेगी। है ना, तो वो एफर्ट करेक्ट। का कोई रिटर्न नहीं है ना। तो वो एफर्ट का कोई रिटर्न, इसलिए मैं करूंगा नहीं, तो मैं वो एफर्ट में करूंगा जहां पे मेरे को रिटर्न मिल रहा है, जहां पे मैं अपनी ईगो मसाज कर सकता हूं। पर अगर मैं सेवा के भाव में हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ झाड़ूंगा, मुझे मैं घर में भी ऐसे ही झाड़ू मारूंगा कि जैसे मेरा घर भी एक गुरुद्वारा ही है और मैं घर वालों की सेवा कर। है ना, फिर ना तो तो इसमें मैं बहुत गुरुद्वारे में जाके झाड़ू सारे लगाऊंगा तो भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगाई है, मेरे को कोई फर्क नहीं, मेरे को किसी को बताना नहीं, मेरे को वो करना अच्छा लगता है मैंने कर दिया, मुझे बता के किसी से कोई वाहवाही करेक्ट। नहीं लेनी है, मैं किसी के सामने बात भी नहीं करूंगा उसके बारे में। जैसे कि मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ और मैं किसी के सामने बात नहीं करता हूँ, उसी तरह से मैं गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगाऊंगा, मैं किसी के सामने बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही मैं सेवा के भाव से करूं। गुरुद्वारे में जाके मैं लंगर बना रहा हूं लेकिन घर में मैंने कभी आज तक पानी बॉयल नहीं किया, सेवा का भाव नहीं है ना। जो सेवा का या चैरिटी का जो भाव आता है तो वो फिर एक पर्टिकुलर चीज से लिंक नहीं होता, वो फिर भाव आपका हर जगह दिखता है। आप में चैरिटी का भाव होगा तो आप काम भी कल आप अपने एम्प्लॉयर के लिए काम भी उसी भावना से करोगे, कर दी चैरिटी, कर दिया एक्स्ट्रा काम। भावना नहीं है, या थैंक्स। इट वाज अ गुड अटेंडिंग द कॉल यस्टरडे कि मनी ब्लॉक्स कितने तरीके से हो सकते हैं कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ। तो हम सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं और राइट